सिद्धार्थ अकबर साहब का मौकफ है कि वकला भी सारे डबल एजेंट हैं और दोनों तरफ खेल रहे हैं। तहरीक इंसाफ की पाकिस्तान की क्यादत है वो फौज की एजेंट बन गई है और फौज की वजह से वो एहतजाज नहीं कर रहे हैं। गंडापुर भी डबल एजेंट है। शेर अफजल मरवत आदिल राजा के खिलाफ ट्रेंड चला रहे हैं कि वो माँ का गद्दार है। मेरे पे जो लोग तनकीद कर रहे हैं, मैंने मुंह खोल दिया तो मैं सबकी पतलूने उतार दूंगा। अस्सलाम वालेकुम, अंदर की बात मुजम्मिल सोहरावर्दी के साथ। मैं हूँ सोबिया अशरफ और मेरे साथ मौजूद हैं मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल साहब। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है। मुजम्मिल साहब, हम तो अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक है। रमजान भी अच्छा जा रहा है, पर बड़ी नाराजगियां सियासत में होने लग गई हैं। कोई किसी से नाराज है, कोई किसी से नाराज है। आपके पास आज बड़ी अंदर की खबरें हैं। पहले तो ये बताएं, शहजाद अकबर किससे नाराज है? देखिये, शहजाद अकबर साहब ने जो हालिया अपना व्लॉग किया है उसमें उन्होंने ये इल्जाम लगाया है, पहली बात तो ये कि तहरीक इंसाफ के जो पाकिस्तान के जो लोग अहदेदारान हैं वो डबल गेम कर रहे हैं। उनके मुताबिक वो कंपनी बहादुर, आप पारा, चिड़ियाघर, ISI से मिले हुए हैं, इसीलिए तहरीक इंसाफ को तमाम महाजों पर शिकस्त हो रही है। उनका मौकफ है कि इस वक्त जो तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की क्यादत है वो डबल एजेंट है। मैं नहीं कह रहा, शहजाद अकबर साहब अब कह रहे हैं। और उनका मौकफ है कि जो बार बार शिकस्त हो रही है तहरीक इंसाफ को, वो इसलिए है कि कंपनी बहादुर को हमारे प्लान्स का ज्यादा पता है। उनके मुताबिक वकील भी दोनों तरफ खेल रहे हैं। हमने तो पहले भी कहा था कि वकला की कारकर्दगी पर सवाल है, लेकिन शहजाद अकबर साहब का मौकफ है कि वकला भी सारे डबल एजेंट हैं और दोनों तरफ खेल रहे हैं। अच्छा, शहजाद अकबर साहब ने दो तीन बातें की हैं। पहली बात तो उन्होंने पिशावर हाई कोर्ट से जो मखसूस नशिस्तों का फैसला आया है तहरीक सुन्नी तात काउंसिल के खिलाफ, उस पर कहा है कि हमें तो पिशावर हाई कोर्ट से सारे फैसले हमारे हक में आए हैं और पिशावर हाई कोर्ट तो हमारा बेहतरीन कोर्ट था और वहां से तो हम जो पिटीशन करते थे हमारे हक में फैसला आया है। अब जब मखसूस नशिस्तों का फैसला हमारे खिलाफ आ गया है तो हम ये तो नहीं कह सकते कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, क्योंकि पिशावर हाई कोर्ट ने पिछले एक माह में 100 फैसले हमारे हक में दिए हैं। तो फिर अगर आप अब इस फैसले को नाइंसाफी कहेंगे तो बाकी को क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ शहजाद अकबर साहब ठीक कह रहे हैं। अब आपने पिशावर हाई कोर्ट तो आपका पसंदीदा और बेहतरीन कोर्ट था, वहां से आपके खिलाफ फैसला आ गया, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है या पिशावर हाई कोर्ट ने डिक्टेशन ली है। जब चीफ जस्टिस पिशावर हाई कोर्ट सरताज गुल की जमानत ले तो बड़ा अपराइट आदमी है, आप ही फैसला दे तो खिलाफ। तो उनका मौकफ है कि ये जो सारा खसूसी नशस्तों वाला और फॉर्म 45-47 वाला ये सब वकला ने मिस हैंडल किया है और वकला जो है और तहरीक इंसाफ की जो क्यादत है वो डबल एजेंट है। फिर उनका ये मौकफ है कि जी धांधली के खिलाफ पाकिस्तान में कोई एहतजाज नहीं हो रहा, इसलिए नहीं हो रहा कि जो तहरीक इंसाफ की पाकिस्तान की क्यादत है वो फौज की एजेंट बन गई है और फौज की वजह से वो एहतजाज नहीं कर रहे और इसलिए हमारे जो है हमें शिकस्त हो रही है। उनका मौकफ है कि इमरान खान तो जेल से चाहते हैं कि एहतजाज किया जाए, लेकिन बाहर जो क्यादत है वो सिर्फ ड्रामे कर रही है और एहतजाज नहीं कर रही है, सड़कों पे नहीं आ रही। उनका ये भी ख्याल है कि गंडापुर ने भी 2 हफ्ते में कुछ नहीं किया, वो तो गंडापुर से भी नाराज है। उनका मौकफ है कि जिन पुलिस वालों ने KP में PTI के लोगों के घरों पर छापे मारे थे उनमें से एक भी 2 हफ्ते में तब्दील नहीं हुआ। तो गंडापुर की हुकूमत किस बात की भी, अगर वो सारे अफसर जिन्होंने PTI के लोगों के घरों पर छापे मारे थे वो अपनी जगह पर तैनात हैं तो क्या गंडापुर भी डबल एजेंट है? मैं समझता हूँ शहजाद अकबर का बड़ा वैलिड सवाल है। उन्होंने तो 7 दिन दिए थे गंडापुर ने ना, कि 7 दिन में सारे मुकदमे खत्म कर दें, वो एक उस SP को भी नहीं चेंज कर सके जिसने घरों में छापे मारे हैं। तो क्या गंडापुर डमी है या गंडापुर भी फौज के एजेंट हो गए, एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर चल रहे हैं, शहबाज शरीफ को मिलने चले गए हैं? तो मुझे लगा कि शहजाद अकबर तहरीक इंसाफ पाकिस्तान से सख्त नाराज हैं और उनका ख्याल है कि तहरीक इंसाफ पाकिस्तान जो है वो सारी की सारी एस्टेब्लिशमेंट की गोद में चली गई है और अब वो वही खेल खेल रही है जो एस्टेब्लिशमेंट कह रही है, इसलिए हर महाज पर तहरीक इंसाफ को शिकस्त हो रही है। शहजाद अकबर का मौकफ है। दूसरी तरफ शहबाज गिल साहब वाशिंगटन में IMF के दफ्तर के बाहर एहतजाज करने के लिए धरना दे के बैठे हुए हैं और वो वहां से फौज के खिलाफ तकरीरें कर रहे हैं, उनका भी इसी किस्म का ख्याल सामने आया है। मतलब वो कोर कमांडर के घर के हवाले से उनका मौकफ है कि सिक्योरिटी क्यों इतनी सख्त नहीं थी कि 9 मई हो गया। तो मैंने तो पहले भी कहा है 2 तहरीक इंसाफ, एक तहरीक इंसाफ पाकिस्तान है, एक तहरीक इंसाफ ओवरसीज है।
तहरीकें इंसाफ ओवरसीज चाहती है कि तबाही हो जाए, बर्बादी हो जाए, आग लगा दी जाए। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान को पता है कि भाई आग लग गई तो हम भी तो पाकिस्तान में ही रहते हैं, ये आग हमें भी लपेट में ले लेगी। पहले 9 मई के बाद, अब देखिए ना, शहजाद अकबर साहब ने गिले शिकवों का इतना बड़ा वीलॉग कर दिया है कि जी देखें एहतजाज नहीं करते हैं, देखें जी कंपनी बहादुर से मिले हुए हैं। भाई आप भागे हुए हैं, आपके अंदर तो पाकिस्तान में फेस करने की हिम्मत ही नहीं है। आप कहते हैं जी मैं लंदन में बैठा बड़ी कुर्बानियां दे रहा हूं, मेरे खानदान ने लंदन में बैठ के बड़ी कुर्बानियां दी हैं। आपने कुर्बानी देनी है, लड़ाई लड़नी है, आकर पाकिस्तान में लड़े। आपको शक है कि बाकी सारे कंपनी बहादुर के एजेंट है? आप नहीं है एजेंट, आप कंपनी बहादुर के एजेंट नहीं है। आप आए, आप आकर लड़ाई लड़े। आप ये घोड़ा और घोड़े का मैदान है, ये लंदन से बैठ के कौन सी लड़ाई लड़ी जा सकती है? एक वील आगे किया जा सकता है, जैसे आदिल राजा करता है, वैसे शहजाद अकबर करता है, वैसे शहबाज गिल करता है। तो अगर सियासत वील आग की रह गई है और मैदान में करने की कोई जरूरत नहीं है, ये जो वील ऑगर है कोई वाशिंगटन में बैठ के, कोई लंदन में बैठ के वील ऑग करके कहता है कि मैंने ऐसी की तैसी फेर देनी है। भाई ऐसी की तैसी फेरने के लिए आपको पाकिस्तान आना पड़ेगा, आइए मैदान हाजिर है। ये लंदन बैठ के, वाशिंगटन बैठ के आप ऐसी की तैसी नहीं फेर सकते, वहां बैठ के आप वीलॉग कर सकते हैं। शहबाज गिल साहब को 10-20 लोगों के साथ IMF के दफ्तर के बाहर बैठ के तकरीर कर सकते हैं, जमीन पे बैठ के इफ्तारी कर सकते हैं, ड्रामा कर सकते हैं, लेकिन IMF का वफद तो पाकिस्तान में मौजूद है। आपका धरना जो है वो आपको और कोई को पब्लिसिटी तो दे सकता है। लिहाजा मुझे तो लगा बड़ी फ्रस्ट्रेशन है तहरीक इंसाफ ओवरसीज में, और जो जो बाहर बैठे लोग हैं इनका ख्याल है कि खेल निकल रहा है, और उनका ख्याल है कि ये जो अगर मुफाहमत हो गई, अगर लड़ाई ना हुई और लड़ाई खत्म हो गई तो हमारे पल्ले कख नहीं रहेगा, हम क्या बेचेंगे। इनके व्यूज भी डाउन हो रहे हैं, लोग भी इनको नहीं सुन रहे हैं। तो मुझे तो बहुत डिप्रेशन लगा शहजाद अकबर और उनके शहबाज गिल पे। आदिल राजा भी ऐसी बातें कर रहे हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि कंपनी बहादुर के सारे एजेंट मिल गए हैं। अब तहरीक इंसाफ पाकिस्तान को ये वादे करना है कि क्या वो सारी की सारी फौज की एजेंट है, या ये बाहर बैठे लोग झूठ बोल रहे हैं। बैरिस्टर हॉर को बताना पड़ेगा, असद कैसर बताएं, गंडापुर बताएं, जो उमर अयूब बताएं कि ये सारे जो हैं ये किसके एजेंट हैं। मतलब शहबाज गिल साहब ने जब आसिम मुनीर अमरीका गया तब तो एहतजाज नहीं किया, अब IMF के दफ्तर के बाहर बैठे हैं। इसी तरह आप देखें कि शेर अफजल मरवत आदिल राजा के खिलाफ ट्रेंड चला रहे हैं कि वो माँ का गद्दार है, और जो PTI ओवरसीज और PTI पाकिस्तान के दरमियान जो लड़ाई है वो अब आहिस्ता आहिस्ता वाजे होती जा रही है, और PTI ओवरसीज चाहती है कि PTI पाकिस्तान फौज को पड़ जाए, और PTI पाकिस्तान चाहती है कि फौज से सुलह हो जाए। इसमें दोनों ने अब एक दूसरे को गालियां और एक दूसरे को गद्दार और एजेंट कहना शुरू कर दिया। ये तो बड़ी अंदर की बात बताइए आपने कि तरीके इंसाफ ओवरसीज मायूसी का शिकार है, शहजाद अकबर साहब भी बहुत मायूस है और उन्हें लाले पड़ गए हैं कि कहीं उनकी रोजी रोटी ना बंद हो जाए और मुफाहमत ना हो जाए कहीं तहरीके इंसाफ पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ। अच्छा मुजम्मिल साहब, एक और अंदर की बात बताएं कि सुनी इत्तेहाद कौंसल के सरबरा हामिद रजा किससे नाराज है? देखिए साहबजादा हामिद रजा पर भी यही इल्जाम है कि वो डबल एजेंट है, और उनका ख्याल है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसल में जो शमूलियत हुई है उससे पहले उन्होंने ये नहीं बताया कि वो तो इलेक्शन कमीशन को खत लिख चुके थे कि हमें कोई सीटें नहीं चाहिए, हमें मखसूस नशिस्तें नहीं चाहिए। और वो भी मेरा मतलब है कम दोनों तरफ खेल रहे थे, और उन्होंने भी एक सेटलमेंट के तहत डबल एजेंट है जो शहजाद अकबर, शहबाज गिल या जो लोग अब नाराज हैं इस सारे सुन्नी इत्तेहाद कौंसल में शामिल होने के हवाले से, शहजाद अकबर ने भी कहा है सुन्नी इत्तेहाद कौंसल में शामिल होने का फैसला दुरुस्त नहीं था, और इस फैसले के तरीके इंसाफ को बहुत सियासी नुकसान हुए हैं, और ये फैसला कुछ सियासी दानिशमंदी का सबूत साबित नहीं हुआ। तो उसमें साफ ज्यादा हामिद रजा पर भी बहुत से सवाल पैदा, इसका इतराफ तो शेर अफजल मरवत भी कर चुके हैं, ठीक किया है। लेकिन आपने साफ ज्यादा हामिद रजा का ट्वीट देखा है? साफ ज्यादा हामिद रजा कह रहे हैं कि मेरे पे जो लोग तनकीद कर रहे हैं, मैंने मुंह खोल दिया तो मैं सबकी पतलूने उतार दूंगा। उधर से वो कह रहे हैं हम सबकी पतलूने उतार देंगे, ये सब एक दूसरे की पतलूने उतारने पर आ गए हैं। वो कह रहे हैं मुझे अगर इमरान खान इजाजत दे तो मैं अंदर की ऐसी ऐसी कहानियां आउट कर दूंगा कि सब नंगे हो जाएंगे। वो लंदन से कह रहे हैं कि ये सब ऑलरेडी नंगे हैं, इन्होंने क्या नंगे करना है।
तो ये साहबजादा हामिद रजा का ट्वीट देखें, शेर अफजल मरवत के ट्वीट देखें, आप शहजाद अकबर की गुफ्तगु देखें, आप शहबाज गिल की गुफ्तगु देखें, तो ये सब गुफ्तगु एक मंजरनामा पैदा कर रही है कि इन्हें इस तहरीक इंसाफ के अंदर जो है एक तो शदीद लड़ाई शुरू हो गई है और दूसरा ये हो गया है कि ये एक दूसरे को पढ़ गए हैं और एक दूसरे को गद्दार और एजेंट कह रहे हैं, और कोई किसी को फौज का एजेंट कह रहा है, कोई किसी को फौज का एजेंट कह रहा है, और आपस में लड़े बैठे। मुजम्मिल साहब, जहाँ तहरीक इंसाफ की ओवरसीज आपने बताया कि मायूसी का शिकार हो गई है, वहां पे तहरीक इंसाफ पाकिस्तान जो है उसमें भी बहुत से रहनुमाओं ने एक दूसरे के खिलाफ तीर कमान से निकाल लिया है। ये कौन कौन है जो एक दूसरे के खिलाफ मुहासराई के लिए खड़े हो गए? सभी एक दूसरे से लड़ रहे हैं, मैंने आपको कहा ना कि एक ऐसी लड़ाई अंदर शुरू हो गई है कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रही है। उमर यूब असद कैसर की लड़ाई है, असद कैसर गंडापुर की लड़ाई है, असलम इकबाल महमूदुर रशीद की लड़ाई है, डॉक्टर यासमिन राशिद की बाकियों से लड़ाई है, कोई जेल से बैठे लड़ रहा है, कोई बाहर से लड़ रहा है, अलीमा खान बुजरा बीबी की लड़ाई है, और एक ऐसा लड़ाई का मंजरनामा है कि समझ नहीं आ रही, जिसकी वजह से इस सियासी जमात की इस वक्त इनकी देखे ना पार्लियामेंट में इतनी बड़ी ताकत है लेकिन ये कुछ नहीं कर पा रहे, शोर शराबे के अलावा कौमी असेंबली से ऑर्डिनेंस मंजूर हो रहे हैं, पंजाब असेंबली अपना काम कर रही है सब, और ये केपी असेंबली को भी कोई उतना अच्छी तरह इस्तेमाल नहीं कर पा रहे जिस तरह की इनको ये कर सकते थे। गंडापुर शहबाज शरीफ को मिलने दौर पहुंच गए हैं, तो इसलिए कमजोरी तो बहुत नजर आ रही है और लड़ाई भी बहुत नजर आ रही है। अब आप देखें ना जी, गंडापुर ने अपने भाई को टिकट दे दिया डेरा इस्माइल खान से, अब उमर यूब ने अपने भाई को वजीर बना लिया, असद कैसर ने अपने भाई को बना लिया, शेर अफजल ने अपने भाई को बना लिया, तुफान ने अपने भाई को बना लिया, ये सब मुस्लिम लीग नून पर तो ये तनकीद करते हैं कि ये मौरूसी सियासत है, शहबाज शरीफ का भाई शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज, खुद आप क्या कर रहे हैं, उमर यूब अपना भाई, असद कैसर अपना भाई, शेर अफजल मरवत अपना भाई, आतिफ खान अपना भाई, गंडापुर अपना भाई, सब अपने भाइयों को टिकट और वजीर बना रहे हैं, कौन कारकुन को बना रहा है? तो ये जो कल तक दूसरों पर तनकीद करते थे आज जब खुद ये काम कर रहे हैं तो इन्हें शर्म नहीं आ रही है कि भाई आपने 10 साल इस मुल्क में मरूसी सियासत के खिलाफ सियासत की है, आज आपको अपने भाइयों के अलावा कोई वजीर बनाने के लिए मिल ही नहीं रहा पीटीआई में, सिर्फ जो वजीर गंडापुर ने टिकट क्या डेरा इस्माइल खां में पीटीआई का कोई कारकुन मौजूद नहीं है, आपने गंडापुर अब गंडापुर वजीर आला बन गए, उनकी फैमिली को आपने ओबलाइज कर दिया, फिर टिकट अपने भाई को, उमर यूब वजीर प्रायर कौमी असेंबली में भाई वजीर, असद कैसर भाई वजीर, शेर अफजल मरवत भाई वजीर, हर कोई अपने भाई अपना बेटा अपने खानदान से बाहर नहीं देख रहा। तो मेरा ये सवाल है कि आप ये तहरीक इंसाफ जो है ये दूसरी सियासी जमातों पर कैसे तनकीद कर सकती है जब ये खुद अपने सब भाइयों को अपने रिश्तेदारों को वजारतें दे रही है। अच्छा मुजम्मिल साहब, आप शेर अफजल मरवत की बात की, शेर अफजल मरवत पे बहुत ज्यादा तनकीद की जा रही है कि उन्होंने कुछ एंकर्स के प्रोग्राम में जो है वो शिरकत की, हालांकि उनका नाम डाला गया था कि आपने इन एंकर्स के प्रोग्राम में शिरकत नहीं करनी। दूसरा, मुबशर लुकमान के साथ मुलाकात की एक तस्वीर भी बहुत ज्यादा वायरल थी, तनकीद की जा रही थी। आज उसका जवाब देते हुए शेर अफजल मरवत ने कहा है कि ऐसा ना करें कि वर्कर अपना बाप बन जाए और हमें उससे पूछना पड़े कि कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना। देखिए, ये मैंने पहले भी कहा है कि जो तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया ये एक रोग एजेंट बन गया है, ये एक रोग आर्मी है। मैं पहले देखे ना जी, पहले ये आदिल राजा वगैरह से क्या लड़ाई हुई है मैदी शाह से, ये तहरीक इंसाफ के लीडरों को पड़ गए हैं, अब भी जो शहजाद अकबर हैं वो तहरीक इंसाफ के सारे लीडरों को पाकिस्तान वालों को गालियां निकाल रहे हैं। ये जो तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया है ये एक रोग आर्मी की शक्ल इख्तियार कर गया है जो बाहर दुश्मन को भी मारती है और खुद को भी मारती है। अब जब इनको खुद मारने लगी है ये रोग आर्मी, जब तक ये दुश्मनों इनके चाची दुश्मनों को मार रही थी ये एंजॉय कर रहे थे, अब जब इनको मार रही है तो इनको तकलीफ हो रही है। मतलब कल तक अब जो पीटीआई के सोशल मीडिया कारकुन है वो कल तक अगर हमारे खिलाफ ट्रेंड चलाएं या नून लीग के खिलाफ चलाएं तो शेर अफजल मरवत को बहुत अच्छा लगता है, अब जब शेर अफजल मरवत पर तनकीद की जाए तो शेर अफजल मरवत को बड़ी तकलीफ हो गई कि आप मेरे पे तनकीद क्यों कर रहे हैं पहले शेर अफजल मरवत। तो मेरा ये मौकफ है कि जितनी तकलीफ आपको खुद पर तनकीद पर होती है उतनी दूसरों पर भी होनी चाहिए। अगर मुबशर लुकमान से मुलाकात पर पीटीआई का कारकुन शेर अफजल मरवत को तनकीद का निशाना बना रहा है
और शेर अफजल मरवत ने ठीक स्टैंड लिया है कि उनकी जाती दोस्ती है, वो शाहदेव के प्रोग्राम में भी गए हैं, फिर यूसुफ जी जो है वो आदिल के प्रोग्राम में गए हैं, ये एंकर्स का बाइकाट कोई अच्छा तरीका नहीं है। एक तरफ तो देखिए ना, तहरीक इंसाफ आजादी इदार की बात करती है, दूसरी तरफ खुद ही एंकर्स का बाइकाट करती है, चैनलों का बाइकाट करती है, क्या वो आजादी इदार में आता है? अब देखिए ना, शहबाज गिल ने क्या कहा पार्थ, उन्होंने कहा जी टॉक शो में जो भी जाए वो इमरान खान की फोटो पहले आगे रखे, अगर टॉक शो का होस्ट उसको इजाजत दे कि इमरान खान की फोटो ऑन एयर जाएगी तो आप टॉक शो में बैठे वरना ना बैठे। भाई शहबाज गिल साहब, आप जरा वाशिंगटन से पाकिस्तान इस्लामाबाद आए, ए आर वाई में शो में जाए, टॉक शो आपका बड़ा पसंदीदा चैनल था, आप जियो में जाए, आप दुनिया में जाए, कहीं जाए, रखे तस्वीर, आई ना जरा पाकिस्तान, बाहर से बैठ के दायात दे रहे हैं। और फिर आप ठीक कह रहे हैं शेर अफजल मरवत, बाहर से बैठ के दायात देना तो बड़ा आसान है ना, जो माजे जंग पे है उसको पता है कि भाव बिकती है। बहरहाल ये पीटीआई के कार जो सोशल मीडिया विंग है वो अब पीटीआई को ही खाने लग गया है, मतलब इस घर को आग लग रही है, इस घर के चिराग से अब हम देख रहे हैं कि पीटीआई का जो सोशल मीडिया है वो पीटीआई पाकिस्तान को खाने लग गया है, और पहले ये मुखालफीन पे इस्तेमाल होता था, अब ये रोग आर्मी बन गया। अच्छा, शेर अफजल मरवत के हवाले से ये भी कहा गया कि उन्हें अपनी लिमिट का पता नहीं है, आज उसका भी जवाब उन्होंने दिया कि उन्हें पता है कि मेरी हदूद क्या है और क्या नहीं है। उन्होंने शेर अफजल मरवत साहब जो है ना, मैं आपको बताऊं, शेर अफजल मरवत साहब काफी हैं तहरीक इंसाफ, वो बैरिस्टर गौहर को भी डैमेज कर लेते हैं, उमर यूब को भी कर लेते हैं, हमें तहरीक इंसाफ को ना किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है। शेर वो उनकी अंदरूनी लड़ाइयां, उनके अंदर कई शेर अफजल मरवत मौजूद है, हमें उस पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, आगे चलने की जरूरत है, ये सब खुद ही शेर अफजल मरवत ही इन सबके लिए काफी। थैंक यू सो मच मुजम्मिल साहब कि आपने हमें अंदर की खबरों से बाखबर किया। मुजम्मिल साहब के मुताबिक शेर अफजल मरवत ही तहरीक इंसाफ को डैमेज करने के लिए काफी है। इसके साथ ही मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।